सो गाइस, अगर आप चैनल पर एक्टिव हो तो आपको पता होगा कि हमने थोड़े टाइम पहले ColorOS 12 का एक कॉन्सेप्ट टीज़र रिलीज़ किया था, जिसमें कि हमने आपको उसके कुछ प्रिडिक्टेड फीचर्स के बारे में बताया था, एंड साथ साथ में वो वीडियो पे आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट हमें देखने मिला। सो हेयर इज़ द पार्ट टू ऑफ दैट वीडियो, एंड इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में जाने वाले हैं। एंड आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा ColorOS 12 के कुछ कमाल के फीचर्स जो कि लीक्ड हैं, एंड साथ साथ में प्रिडिक्टेड एलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट की भी आज हम बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा कमाल का है, मजा आएगा, देखते रहिए। सो हाई टीपीस, दिस इज़ उत्कर्ष। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि रिसेंटली हमने अपना नया एपिसोड ला दिया है गो गॉसिपी का, जो कि आप जाकर देख सकते हो। एंड उस वाले एपिसोड में आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा कम था, प्लीज़ जाकर देखो, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। रोडीज़ के बारे में आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने का बिल्कुल से मौका मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस वाले वीडियो को, एंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ColorOS 12 के बारे में। सो जैसा कि आपको पता होगा कि थोड़े टाइम पहले हमने देखा था ColorOS 11, जो कि वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी स्किन था, एंड 2020 का शायद से बेस्ट स्किन था एंड्रॉयड पे। एंड साथ साथ में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अभी रिसेंटली ColorOS 11 का जो रोल आउट है वो मैक्सिमम परसेंटेज पे कम्प्लीट हो चुका है, एंड मोर देन 80% स्मार्टफोन्स को अपडेट ऑलरेडी मिल चुका है जो कि एलिजिबल थे। अभी काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स तो नहीं, बट हाँ, थोड़े बहुत स्मार्टफोन्स जो कि एलिजिबल हैं, और उनको भी क्वार्टर सेकंड के एंड तक अपडेट मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ अब इस वाले रोड मैप के बाद का क्या, सो आपको पता नहीं होगा लेकिन ओप्पो की R&D काफ़ी ज़्यादा पहले से काम करती है। काफ़ी सारे नए नए रेवोल्यूशनरी इनोवेशंस ओप्पो हमेशा से ही करते हुए आया है। सो कुछ उसी तरह का ColorOS 12 में हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेवोल्यूशन देखने मिलने वाला है, एज इन टर्म्स ऑफ UI एज वेल एज बग्स इम्प्रूवमेंट्स। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार UI होने वाली है। खैर, बाकी चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे जब और भी ज़्यादा लीक्स हमें देखने मिले। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ ऐसे फीचर्स जो कि शायद से आप लोगों को शॉक कर दें। अगर आपको पता होगा तो ColorOS 11 हमेशा से ही अपना लाइव वॉलपेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था, एंड साथ साथ में एज इन ColorOS 7.2 इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लाइव वॉलपेपर्स। सो इस बार भी हमें ColorOS 12 में काफ़ी ज़्यादा अच्छे कस्टम लाइव वॉलपेपर्स देखने मिलेंगे, जिससे कि आप खुद कस्टमाइज़ कर सकते हो। लिटरली दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ट मेमोरिंग चीज़ जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। ऑफ कोर्स मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये अभी बीटा फेस पे है, एंड देयर इज़ नो चांसेस कि ये कम्प्लीटली सच हो, बट सोचो एक बार अगर ऐसा होता है तो इमेजिन व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टू दिस। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको ये वाला फीचर कैसा लगा। अगर मैं बात करूँ गेम स्पेस की, तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स अवेलेबल इन द ColorOS UI। सो कुछ उसी तरह से ColorOS 11 में गेम स्पेस का आपको नया वर्जन देखने मिला था, एज वेल एज ColorOS 11 आपको ColorOS 12 में भी इसका एक नया वर्जन देखने मिलेगा, जिसमें कि जो बेसिक बग फिक्सेस हैं वो आपको देखने मिलेंगे एज वेल एज मल्टीप्लेयर पे। सो वो सारे गेम्स में भी आपको नए नए इम्प्रूवमेंट्स एंड नए नए फीचर्स देखने मिलने वाले हैं। अब वो क्या ऑप्शंस होंगे वो तो खैर अभी नहीं बता सकते, बट हाँ, फीचर्स काफ़ी ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं और मल्टीप्लेयर गेमिंग को भी ये सपोर्ट करेंगे, तो मज़ा आएगा, देखते हैं कैसा क्या होता है। अगर आप में से कोई गेमर है तो बताना ज़रूरी ये वाला फीचर कैसा है। 5G रेडी इंटरफेस के लिए रेडियो, सो इस बार भी 5G रेडी इंटरफेस के बारे में बात की जाएगी इस वाले अपडेट में, एंड एज वेल एज जो 5G के बिना डिवाइसेस रन कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी लेकर आने वाला है ओप्पो। सो देखते हैं कैसा क्या होता है। सिमिलरली अगर मैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी की बात करूं, तो ओप्पो को हमेशा से वन ऑफ द सिक्योर UIs में गिना जाता है, मतलब नॉट लाइक दोज UIs जो कि हमेशा अपना डेटा ब्रीच करते रहते हैं। ओप्पो हमेशा से अपना सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देता है। सो इस बार भी कुछ ऐसी हमें देखने मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड आपको UI देखने मिलने वाली है। अगर आपको ओप्पो रिलैक्स पसंद आया था तो उसका सेकेंड वर्जन के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि वो एक बीटा फेस था, यहाँ पर आपको एक स्टेबल वर्जन देखने मिलेगा ColorOS 12 में, जो कि अपने आप में ही 3D साउंड एंड 8D ऑडियो को भी प्रोड्यूस करने के कैपेबल होगा। सो रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर कि किस तरह से आपको ओप्पो रिलैक्स देखने मिला था, एंड सोचो एक बार कि वो केवल बीटा था, सो स्टेबल कैसा होगा।
फाइनली एक चीज़ और जो काफ़ी ज़्यादा लीक हुई अभी रिसेंटली, थर्ड पार्टी आइकन पैक्स के साथ में कंपैटिबल स्मार्टफोन्स आपको बहुत कम देखने मिलते हैं, एंड वो लिटरली ओप्पो के स्मार्टफोन्स आपको देखने मिलते हैं, कुछ वन प्लस के, कुछ ओप्पो के। सो कुछ उसी तरह से आपको थर्ड पार्टी आइकन पैक का सपोर्ट देखने मिलेगा यहाँ पर। ये तो हो गई नॉर्मल बात, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ मेंटोस ज़िंदगी। सो कलर एस 12 में आपको जो थर्ड पार्टी आइकन पैक सपोर्ट देखने मिलेगा, साथ साथ में थर्ड पार्टी लॉन्चर सपोर्ट देखने मिलेगा। मतलब थर्ड पार्टी लॉन्चर आप थर्ड पार्टी से डाउनलोड करके लगाते थे, सो आपका मेन जो बेसिक चीज़ें थी वो अच्छे से काम नहीं करती थी, लेकिन अभी यहाँ पर फुल कंपैटिबिलिटी आपको देखने मिलने वाली है। कुछ उसी तरह का यहाँ पर जो एलिजिबल डिवाइसेस लिस्ट है वो भी होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं ओप्पो रेनो सीरीज़ की, तो यहाँ पर रेनो सीरीज़ के सारे स्मार्टफोन्स जो कि लेटेस्ट हैं लाइक ओप्पो रेनो 5 एंड ओप्पो रेनो 5 प्रो, वहीं पर ओप्पो रेनो 4, रेनो 4 प्रो एंड रेनो 3 और 3 प्रो, ये सारे स्मार्टफोन्स जो रेनो सीरीज़ के हैं इसमें आपको कलर एस 12 श्योरली देखने मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी रेनो सीरीज़ के स्मार्टफोन है लाइक रेनो 2 सीरीज़, रेनो 2F सीरीज़, उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको इसी वाले वीडियो में। अब मैं बात करता हूँ एफ़ सीरीज़ की, तो जैसा कि आपको पता है कि एफ़ सीरीज़ के F15 तक के जो स्मार्टफोन्स थे वो अपने मेजर अपडेट स्क्रैप कर चुके हैं, एंड F15 के बाद से केवल दो ही स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं जो कि F17 एंड F17 प्रो, साथ ही साथ उसका एक दिवाली एडिशन भी था। सो ये जो तीनों स्मार्टफोन्स हैं ये कम्प्लीटली कंपेटेबल हो जाते हैं इसी वाले अपडेट के लिए, केवल एफ़ सीरीज़ से इतने ही स्मार्टफोन्स रहेंगे। बाकी स्मार्टफोन्स का क्या होगा आगे आपको वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं बात करूँ ओप्पो ए सीरीज़ की, तो यहाँ पर जो ओप्पो ए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स हैं उसमें आपको A53, A52, A71, A15 एंड A15S देखने मिल जाते हैं, जिनको कि आपको ये वाला अपडेट श्योरली देखने मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी स्मार्टफोन्स रहेंगे ए सीरीज़ के अभी उसमें कन्फर्मेशन नहीं है, आगे बताता हूँ आपको वीडियो में कैसा क्या रहेगा। सो यहाँ पर एक सिमिलर मतलब कंपैटिबिलिटी इश्यूज काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स में आते हैं, लेकिन जो के सीरीज़ और जो आर सीरीज़ है उसके स्मार्टफोन्स को ये वाला अपडेट देखने नहीं मिलने वाला है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो सारे ही स्मार्टफोन्स अपना मेजर अपडेट ऑलरेडी ग्रैब कर चुके हैं। अब आपको बताता हूँ कुछ उन क्वेश्चंस के आंसर जो कि शायद से आप अभी तक इस वीडियो में ढूंढ रहे होंगे। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट अबाउट द स्मार्टफोन्स हु आर ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर मेजर अपडेट्स। लाइक अगर मैं बात करूँ ओप्पो F9 सीरीज़ की, तो आपको पता है उनको तो कलर एस 11 भी देखने नहीं मिला। उसके बाद बात करते हैं अगर F11 सीरीज़ एंड F15 स्मार्टफोन की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी ज़्यादा चले थे, बट F15 से ज़्यादा तो शायद F11 प्रो चले थे। सो अगर ऐसा हो अपडेट आए तो उसका केवल एक ही रीज़न हो सकता है, क्योंकि यूज़र बेस काफ़ी बड़ा है, अगर डिमांड ज़्यादा तेज़ होगी तो होप्स अपडेट देखने मिल जाए। वहीं पर एक सिनेरियो और है ओप्पो A5 एंड A9 2020 के अराउंड, दोनों ही स्मार्टफोन्स बहुत ज़्यादा सेल आउट हुए थे, एंड दोनों ही स्मार्टफोन्स अभी रिसेंटली कलर एस 11 पे जंप करेंगे कुछ थोड़े एक दो महीने के बाद। सो कुछ उसी तरह से लोग वेट करेंगे कि क्या शायद उसमें कलर एस 12 देखने मिल जाए, उसका आंसर सीधा सीधा नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको सिनेरियो एफ सीरीज़ के लिए बताया, कुछ उसी तरह का सिनेरियो उस पर भी हो सकता है, शायद आपको अपडेट देखने मिल जाए, एंड आई एम नॉट लिटरली जोकिंग, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है बाई गॉड ग्रेस, देखते हैं क्या होता है आगे। सिमिलरली एक और सिनेरियो बनता है जो कि है रिलेटेड टू ओप्पो के रेनो सीरीज़ स्मार्टफोन लाइक रेनो 2 सीरीज़ एंड रेनो 2F2Z स्मार्टफोन्स, तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो भी अभी रिसेंटली कलर एस 11 पे ही चलेंगे, बट अगर कलर एस 12 का कोई चांस है तो वो केवल ओप्पो रेनो 2F एंड 2Z स्मार्टफोन के लिए है। उसके अलावा जितने भी स्मार्टफोन्स हैं शायद उसमें आपको ना देखने मिल पाए किसी भी तरह से, और अगर कोई जो मतलब मिरेकल होता भी है सो वो होगा केवल ओप्पो रेनो 2F एंड 2Z स्मार्टफोन के लिए, देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरे हिसाब से तो आप लोगों को वेट करना चाहिए इस वाले अपडेट का, थोड़ा सा और डाउट्स आपके क्लियर होंगे जब भी ओप्पो कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन देगा, आई लेट यू नो। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर इन दी कमेंट्स, एंड दिस वीडियो इज़ मेड विद updatescoop.com जहाँ पर हमने उनको रिसर्च का पेपर्स दिए एंड उन्होंने हमें पोस्ट प्रोवाइड किया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था ये वाला पोस्ट।
पढ़ सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप सो आप लोगों ने इंजॉय किया होगा इस वाले वीडियो को एंड अंडरस्टैंड किए होंगे सारे के सारे फैक्ट्स। आई एम रियली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर कलर स्टाइल। अगर आप भी एक्साइटेड हो, ज्वाइन करो हमें इंस्टाग्राम पर @utkarshgupta360 एंड शेयर करो कि आपको कलर स्टाइल में क्या पसंद आया। बाकी इन दी कॉमेंट्स अपने थाट्स ज़रूर से बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जब मैं ऑफिस में होती थी, वर्कआउट कैसे करती थी, नेवर आई यूज्ड टू गो टू द वॉशरूम टू डू 10 स्क्वाट्स। एनर्जी जब मिस इंडिया में नहीं हुआ तो वाज अ लिटिल डीमोटिवेटेड। गर्ल्स के पास हेट कमेंट्स, ट्रोल्स, चीप डीएम सब ज्यादा आते हैं। मुझे लगा नहीं था कि मुझे कॉल आएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, ये हो गया। आई लव टू परफॉर्मिंग एवरी टास्क। यहां मैम लव्स पीपल हु परफॉर्म। आंसर तो इज लव। पूरी की पूरी जर्नी सुन लिया तुम लोगों ने। मैंने तो एक भी क्वेश्चन का सीधा जवाब तो आई डोंट थिंक मैंने दिया। मैं गुम हो गई अपनी बातों में।